हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो हेलो, आवाज आ रही है। सर आपका कैमरा कितना लेग कर रहा है, क्वालिटी एकदम घटिया, इतना कमा रहे हो, नोट छाप रहे हो, एक ढंग का मोबाइल लेते नहीं बन रही। बेटा कुछ दिनों की तो बात है, फिर ऑफलाइन क्लासेस ऐसा बोल बोल के 2 साल निकल गए, अब तो रिपब्लिक डे भी ऑनलाइन बन रहा है, हद हो गई। लड्डू के व्हाट्सएप पे सेंड करोगे? हाँ, ऑनलाइन परफॉर्मेंस तो देख लेंगे, पर लड्डू के बिना थोड़ी मजा आएगा। लड्डू चाहिए हमें। घर वाले खाना नहीं दे रहे तुम लोगों को, जो मरे जा रहे हो लड्डू के लिए। 15 अगस्त और 26 जनवरी के लड्डू का स्वाद ही कुछ अलग होता है सर। मैंने तो एक बार 10 लड्डू खाए थे, 26 जनवरी पे मजा आ गया था। स्कूल वाले 2 लड्डू से ज्यादा तो देते नहीं है, भिखारी तुझे 10 लड्डू कैसे मिल गए? छोटे 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 चोर। मैं चोर नहीं हूँ, मेरी इज्जत है स्कूल में, सर लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं टॉपर हूँ। इज्जत और इसकी मस्त जोक मारा रहे अलगट, मेरे जूते के नीचे लगा कचरा तेरे से ज्यादा इज्जतदार है। बच्चों 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 बताओ, हम 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे यानी कि छुट्टी होनी थी, पर आप तो ऑनलाइन बनाने लगे, क्लास रख दी, ये तो हद ही हो गई, लड्डू नहीं मिलेंगे। लड्डू 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 लगाए जब से, ये भी पता नहीं होगा गणतंत्र दिवस मनाते क्यों हैं। मैं बताऊं, इस दिन भारत की पाकिस्तान पे जीत होती है, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अबे बंदू, इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, भारत गणतंत्र देश बन गया था। पर टीवी पे तो इस दिन पाकिस्तान से जीतने की मूवीज दिखाते हैं। कुछ भी दिखाते हैं टीवी वाले तो। अच्छा बच्चों, तो किसी ने कोई परफॉर्मेंस तैयार किया है क्या? कोई कहानी, कोई पोयम, कोई चुटकुला, कोई गाना, कोई नृत्य, कुछ भी? सर मैं गणतंत्र दिवस के मौके पे एक शायरी सुनाना चाहूँगा। सुनाओ सेविस शर्मा। लड़कियों को चमकता हुआ फेस पसंद है। वाह वाह वाह। कि लड़कियों को चमकता हुआ फेस पसंद है, किसी को अंग्रेजी गानों का क्रेज पसंद है। अरे छोटी मोटी पसंद तो बच्चों की होती है, हम नौजवानों को तो अपना देश पसंद है। हैप्पी रिपब्लिक डे। वाह 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 वाह, मस्त शायरी, मजा आ गया ब्रो। चलो अब नेक्स्ट कौन क्या करेगा? मैं एक जोक सुनाना चाहूँगा। ठीक है सुनाओ। सेविस शर्मा नाम का एक लड़का 26 जनवरी को भारत का झंडा लेने एक दुकान पर जाता है। दुकान पर जाकर दुकानदार से बोलता है। दुकान पर जाएगा तो दुकानदार से ही बोलेगा ना, ठेकेदार से थोड़ी बोलेगा। सर ये मेरी जोक का फ्लो बिगाड़ रहा है। सेविस शर्मा गलत बात। हाँ तो दुकानदार से बोलता है, भैया एक भारत का झंडा बताना। दुकानदार झंडा देते हुए बोलता है, ये लो सर। तो फिर सेविस शर्मा बोलता है, भाई साहब कोई और कलर में बताओ। वेरी फनी, गूगल से छापता है, खुद का कुछ ओरिजिनल नहीं है तेरे पास, नाम के टॉपर है तू। खुद का सुनाऊंगा ना तो तू झेल नहीं पाएगा। जब ये धरती माता तेरे जैसे घटिया इंसान को झेल सकती है, तो मैं तेरे जोक को तो झेल ही लूंगा। आज के दिन तो भेसबाजी मत करो यार तुम लोग। नेक्स्ट कौन क्या बोलेगा? सर मैं पोयम सुनाऊंगी। सुनाओ मोहिनी बेटा। नींद भरी आँख झपके तो सो गए, खुली तो देखा कि बड़े हो गए। वो बचपन वाला रिपब्लिक डे आता नहीं, आजकल 26 जनवरी पे लड्डू कोई खिलाता नहीं। जो देखो लड्डू, मैंने क्यों रखी होगी आज के दिन ऑनलाइन क्लास। सर मैं एक गाना सुनाऊंगा, ऑफलाइन 26 जनवरी को खाने को मिलते 2 लड्डू लड्डू लड्डू, ऑनलाइन 26 जनवरी को मिलेगा कद्दू कद्दू कद्दू। आज 26 जनवरी के इस मौके पर डायरेक्टर सर हमसे जुड़ रहे हैं, वो आपसे कुछ बात करेंगे, कृपया अपने मैनर्स मेंटेन करें। नमस्ते बच्चों, हैप्पी रिपब्लिक डे। बताओ डायरेक्टर के कैमरे की भी क्वालिटी खराब है, पूरा स्कूल ही भिखारियों से भरा पड़ा हुआ है, फीस तो इतनी लेते पूछो मत, क्लास में पंखे भी नहीं चलते, बेंच टूटी पड़ी हुई है। आज छुट्टी होनी थी तो ऑनलाइन रिपब्लिक डे मनाने लगे, कोई दिक्कत नहीं, मनाना अच्छी बात है, बाहर लड्डू तो लो यार, 2 लड्डू नहीं तो कम से कम एक ही दे दो, भिखारियों छाती पे लेके मरोगे इतना पैसा। डायरेक्टर के सामने बेइज्जती करा दी, इसके घर तो मिठाई की दुकान भिजवाना पड़ेगा।